रहे हैं बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड और हमारा टॉपिक है आदर्शवाद और शिक्षा। इससे पहले हमने बताया था कि आदर्शवादी विचारधारा किस प्रकार की है। आदर्शवादी जिसको हम आइडियलिज्म कहते हैं वो इस संसार को किस रूप में मानते हैं। अब चूंकि हम शिक्षा पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ पे ये देखते हैं कि आदर्शवादी ने शिक्षा के बारे में क्या अपने विचार प्रकट किए। तो जो आदर्शवादी दार्शनिक थे या विचारधारक थे उन्होंने आदर्शवाद को शिक्षा के किस रूप में माना है, चलिए हम देखते हैं। तो आदर्शवादी जो थे वो शिक्षा को, जो शिक्षा का अर्थ है, जो शिक्षा की मीनिंग है, उसके बारे में इन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जो शिक्षा है हमारी ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके की वह योग्य। क्योंकि आदर्शवादी जो थे वो आत्मा परमात्मा में विश्वास करते थे, मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देते थे, इसीलिए उन्होंने शिक्षा को भी इसी रूप में माना। उनका ये मानना था कि शिक्षा की मीनिंग ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करे, यानी कि जो भी उसका शारीरिक विकास है, उसका आध्यात्मिक विकास है, वो पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा में यकीन करते थे, आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे, इसीलिए उन्होंने शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करने की बात कही। और उन्होंने कहा शिक्षा का यही कार्य है कि जो भी मनुष्य के शरीर है, मनुष्य का शारीरिक विकास है और जो उसकी आत्मा है उसको पूर्णता से, मतलब यहाँ पे है कि उसको आत्म अभिव्यक्ति का अवसर मिले, यानी आत्म अनुभूति का अवसर मिले। इसलिए उन्होंने शिक्षा के अर्थ को ये बताया है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है जिसके की वह योग्य है। दूसरी चीज, ये तो चीज उन्होंने शिक्षा के अर्थ के बारे में बताया था कि शिक्षा का अर्थ किस रूप में होना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। शिक्षा के आदर्शवादियों ने ये माना कि जो हमारी शिक्षा का एक मेन उद्देश्य होता है वो क्या होना चाहिए। पहली चीज उन्होंने कहा कि बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास होना चाहिए, कि शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा में हमें ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जिससे कि बालक का शारीरिक विकास हो सके, उसका मानसिक डेवलपमेंट हो सके और तभी हमारी शिक्षा पूर्ण मानी जाती है। यदि और हम शारीरिक विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें विद्यालयों में, ऐसी चीजों को कि बच्चे अपने खाने पीने का ध्यान दे सके, अपने आहार का ध्यान रख सके, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सके, ऐसी चीजों का योग होना चाहिए। तो उनका ये मानना है कि हमारी शिक्षा इस प्रकार की हो कि जिससे बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास हो। दूसरी चीज उन्होंने बताई नैतिक एवं चारित्रिक विकास। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि बालक की जो हमारी जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों में नैतिक विकास हो सके, अच्छी आदतों का समावेश हो सके, उनका जो चरित्र है वो अच्छा उज्ज्वल बन सके, ऐसी हमारी शिक्षा होनी चाहिए। चूंकि हम आदर्शवादी जो है वो आध्यात्मिक पक्ष को महत्व देते थे, नैतिक शिक्षा पर बल देते थे, उन्होंने कहा कि ये जो संसार है वो दैवीय शक्ति के द्वारा बनी हुई है, दैवीय व्यवस्था बनी हुई है और दैवीय जो शक्ति है वो नैतिक व्यवस्था का ही पालन अगर मनुष्य करता है तो वो सत्य शिव एवं सुंदर की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए उन्होंने सत्य एवं शिव सुंदर की प्राप्ति के लिए नैतिक विकास पर बल दिया, चारित्रिक विकास पर बल दिया। उसके अलावा उन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर भी बल दिया। उन्होंने कहा शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए, उसकी शिक्षा का जो एक उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि बालक का सामाजिक विकास हो सके। क्योंकि हम मनुष्य जो है एक समाज में रहता है और समाज के तौर तरीके नियमों का उसे मालूम होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए और तभी हो सकता है जब बालक का सामाजिक विकास हो सके। उसके अलावा बालक के अंदर कल्चरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। अगली चीज उन्होंने बताई कि बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास हो, कि बालक बुद्धि, अगर बालक के अंदर बुद्धि और विवेक शक्ति होगी तभी वो आत्म अनुभूति को प्राप्त कर सकता, तभी उसे सत्य असत्य का ज्ञान हो सकता है, अच्छे बुरे का ज्ञान हो सकता है। यदि बालक के अंदर बुद्धि और विवेक शक्ति नहीं है तो बालक के अंदर सत्य और असत्य का भेद नहीं कर सकता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आत्मा परमात्मा जो ये संसार है वो आत्मा और परमात्मा के महत्व को आदर्शवादी मानते थे और वो ये मानते थे कि जो वस्तु जगत है वो परिवर्तनशील है, सत्य नहीं है। तो उनका ये मानना था कि जब तक बालक के अंदर एक बुद्धि एवं विवेक शक्ति जो है वो डेवलप नहीं होगी तब तक बच्चा जो है वो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं कर सकता या सत्य असत्य को नहीं पहचान सकता।
अगली चीज है, उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना, कि जो भी बच्चा है वो एक अच्छा उत्तम व्यक्ति बन सके। और उत्तम व्यक्ति तभी बन सकता है कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। आदर्शवादी ये जानते थे, उन्होंने ये मानते थे कि मनुष्य का जो मनुष्य जो है वो ईश्वर द्वारा बनाई हुई सबसे अमूल्य चीज है, और मनुष्य का जो जीवन है वो इसीलिए मिला है उसको कि उसकी जो अंतिम उद्देश्य क्या है कि ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति तभी जब जो व्यक्ति कर लेगा वही श्रेष्ठ नागरिक तैयार होगा। और शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि एक बच्चे के अंदर अच्छे बुरे का ज्ञान, सत्य असत्य का ज्ञान, वो उसमें विभेद कर सके कि क्या अच्छा क्या बुरा है, और तभी वो एक अच्छा या उत्तम नागरिक बन सकता। तो ये तो चीज थी कि आदर्शवादी ने शिक्षा के उद्देश्य को किस रूप में माना, क्या चाहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार का होना चाहिए। अगली चीज, उन्होंने पाठ्यचर्या के बारे में भी उन्होंने अपने विचार दिए। आदर्शवादी ने कहा कि जो शिक्षा की मीनिंग तो इस प्रकार की होनी चाहिए कि शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करे। उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि बालक का सही डेवलपमेंट हो सके, शारीरिक एवं मानसिक विकास हो, नैतिक चारित्रिक विकास हो, सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो, बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास हो, और एक वो योग्य नागरिक बन सके। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उनमें किस विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। वो क्या चाहते थे, आदर्शवादी ये मानते थे कि उद्देश्यों की जो ये हमारे उद्देश्य है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इन उद्देश्यों की प्राप्ति हम पाठ्यचर्या में अपने पाठ्यक्रम में भाषा साहित्य धर्म शास्त्र को प्रमुख स्थान देते हैं तो हमारी जो ये उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सकती है। उसके अलावा उन्होंने कहा इन चीजों को तो हम प्रमुख स्थान देते हैं, उसके अलावा और जो और अन्य विषय है जैसे संगीत, कला, विज्ञान, भूगोल आदि, इनको उन्होंने आदर्शवादियों ने गौण स्थान दिया है। ठीक है, अगली चीज है उन्होंने शिक्षण विधि। शिक्षण विधि उन्होंने कहा कि आदर्शवादी ये मानते थे कि किस प्रकार की, जब बच्चों को हम शिक्षा देते हैं तो उसमें शिक्षण विधि महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और शिक्षण विधि किस प्रकार की होनी चाहिए। तो उनका ये मानना था, आदर्शवादी ये मानते थे कि एक बच्चा जो छोटा बच्चा होता है वो बड़ों की नकल करके या अनुकरण करके अपने उसी की कॉपी करता है। ठीक है, तो वो ये चाहते थे कि हमारी जो शिक्षा है, चूंकि माता पिता की नकल करके बच्चे कार्य करते हैं, तो जब एक बच्चे की जो शिक्षा का आरंभ है वो परिवार से होता है तो माता पिता को भी कुछ ऐसे चीजें उनके सामने, कुछ इतने अच्छे कार्य उनके सामने करने चाहिए, चूंकि बच्चों के अंदर एक प्रवृत्ति होती है अनुकरण की, तो वो माता पिता के कार्यों को देख करके बच्चे अनुकरण करें और उस चीज को सीख जाए। तो इसीलिए शिक्षण विधि जो है वो अनुकरण पर ध्यान दिया जाए। उसके अलावा प्रश्नोत्तर विधि, जो हमारे प्लेटो जो आदर्शवादी थे, आदर्शवादी दार्शनिक थे, उन्होंने प्रश्नोत्तर विधि पर बहुत बल दिया कि बच्चों से जब आप क्लास ले रहे हो तो बच्चों से प्रश्न पूछो और बच्चे उसका उत्तर दे, इस प्रकार की विधि का उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने कहा बच्चों को जब आप पढ़ाइए, जब आप शिक्षा दीजिए तो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करें। उसके अलावा चूंकि प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने आगमन निगमन विधि पर बल दिया। आगमन विधि क्या, जो आगमन विधि है वो क्या है कि कोई भी चीज जब हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। ठीक है, यानी कि उदाहरण से जब हम सामान्यकरण की ओर जाते हैं, ये हमारी आगमन विधि कहलाती है। और निगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि में सामान्य से जब हम विशिष्ट चीजों की तरफ जाते हैं, यानी कि कोई नियम से जब हम उदाहरण की ओर जाते हैं तो वो हमारी निगमन विधि कहलाती है। तो आगमन और निगमन विधि जो अरस्तु द्वारा प्रतिपादित है, उन्होंने जो आदर्शवादी वो एक दार्शनिक थे, उन्होंने भी आगमन निगमन विधि पर बल दिया कि हमारी जो शिक्षा है वो जो शिक्षण विधि है उसमें आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया जाए। उसके अलावा संवाद विधि, प्लेटो की जो संवाद विधि है उस पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया। और चूंकि फ्रोबेर जो जो दार्शनिक है वो भी आदर्शवादी है, उन्होंने भी आदर्शवादी का ही समर्थन किया। तो प्रोबेल क्या करते हैं, उन्होंने खेल विधि का प्रयोग किया। उन्होंने कहा बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाए कि कोई भी चीज, क्योंकि किंडरगार्टन प्रणाली जो है वो किसकी है, फ्रोबेल की है। फ्रोबेल ने छोटे बच्चों की उनकी शिक्षा है, और उन्होंने बच्चों को खेल के द्वारा, गीत के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी। तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज अगर बच्चों को सिखाई जाती है, यदि उन्हें खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो बच्चे उस चीज को जल्दी सीख लेते हैं। उसके अलावा पेस्टोलॉजी ने जो है वो अभ्यास और आवृत्ति विधि का प्रयोग किया। उन्होंने कहा शिक्षण विधियां
जो है वो अभ्यास के द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए, आवृत्ति के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। उसके अलावा हर्बर्ट जोन स्पेंसर जो दार्शनिक हैं, उन्होंने अनुदेशन प्रणाली का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ये इन सभी विधियों का हमें अपने शिक्षण विधियों में प्रयोग करना चाहिए। और जब हम एक टीचर, जब एक शिक्षक जो है बच्चों को शिक्षा देता है, तो वो इन सभी विधियों का प्रयोग करे ताकि बच्चों को सही से शिक्षा प्राप्त हो सके। उसके अलावा आदर्शवादी ने अनुशासन के बारे में क्या कहा? आदर्शवादी, चूंकि आदर्श पर उनके सारे विचार आधारित थे, तो आदर्शवादी जो थे वो प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देते थे। प्रभावात्मक से मतलब है कि उनका ये मानना था कि एक जो टीचर का जो एक व्यक्तित्व होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए, कि क्योंकि बच्चे के अंदर एक अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, बच्चे एक मतलब दूसरों को देख करके कॉपी करते। तो यदि एक टीचर का जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी होगी तो बच्चे उसको कॉपी करेंगे। तो उन्होंने प्रभावशाली अनुशासन पर बल दिया, उन्होंने दंड को जरूरी नहीं माना। उनका ये मानना था कि यदि बच्चों को हम अनुशासित करते हैं तो उसमें दंड जरूरी नहीं है कि बच्चों को दंड दिया जाए। उसके अलावा बच्चों को प्रेम से सहानुभूति करके बच्चों को यदि हम सिखाते हैं तो बच्चे उस कार्य को अच्छे से सीख लेते हैं। इसीलिए जो आदर्शवादी थे उन्होंने अनुशासन पर, प्रभावात्मक अनुशासन पर बल दिया। उनका ये मानना था कि सच्चा अनुशासन वही है जो प्रेम और सहानुभूति द्वारा होता है, कि बच्चों को प्रेम से यदि हम किसी कार्य को सिखाते हैं ना कि दंड दे करके, तो बच्चे जल्दी से उस चीज को सीख लेते हैं। उसके अलावा अनुशासन के अलावा उन्होंने, आदर्शवादी ने शिक्षक के बारे में क्या कहा? आदर्शवादी ये मानते थे कि पूरी शिक्षा में शिक्षक का जो है वो महत्वपूर्ण रोल होता है। जो हमारी शिक्षा है वो शिक्षक पर टिकी होती है। यदि शिक्षक हमारा अच्छा है, यदि सिखाने वाला हमें अच्छा मिलता है, तो हम उस कार्य को अच्छे से सीखते हैं। इसीलिए आदर्शवादी जो है उन्होंने शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया। उनका ये मानना था कि जो हमारी शिक्षा है वो शिक्षक पर आधारित है। इसीलिए एक शिक्षक जो है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना चाहिए। यदि टीचर योग्य होगा तो बच्चों में अपने आप अच्छी आदतों का समावेश होगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ईश्वर को गुरु का रूप माना है। उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो हमें अच्छी चीजों को सिखाता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि गुरु भी एक ईश्वर का रूप है। यदि गुरु के अंदर एक अच्छी क्वालिटी होगी तो बच्चों में भी वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। इसीलिए आदर्शवाद ने शिक्षक को अपनी शिक्षा में महत्वपूर्ण रोल दिया। अगली चीज है विद्यालय। आदर्शवादियों ने, जो दार्शनिक है, उन्होंने विद्यालय के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो हमारी शिक्षा है वो विद्यालय से शुरुआत होती है। बच्चा विद्यालय में जाता है और वहीं से सीखता है। यदि हमारे विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे के व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि हम अपने विद्यालय का जो वातावरण है, अच्छा उच्च वातावरण का यदि हम विद्यालय में निर्माण करते हैं तो बच्चों की शिक्षा भी अच्छी होगी। यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो निश्चित सी बात है कि बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो उन्होंने जो हमारी प्राचीन शिक्षा थी, जैसे कि जो गुरुकुल प्रणाली थी, कि बहुत शांत वातावरण में गुरुकुल बनाए जाते थे और बच्चों को वहां शिक्षा दी जाती थी, दूर कोलाहल से, दूर शोर शराबे से दूर, तो बच्चे वहां पर एक शांत वातावरण में अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे। तो आदर्शवादी भी उसी शिक्षा पर बल देते हैं। उन्होंने कहा विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत उच्च वातावरण होना चाहिए जो बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव डाल सके। अगली चीज जो है वो आदर्शवादी ने, ये चीजें तो उन्होंने बताई, उसके अलावा और भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर विचार दिया, जैसे कि स्त्री शिक्षा हुई, जन शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा, इन पर भी उन्होंने बल दिया कि स्त्रियों की भी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जन शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिए। तो जो आदर्शवादी हैं उन्होंने शिक्षा को, या आदर्शवाद के द्वारा शिक्षा किस प्रकार की हो